नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। कालका में अप्रैल माह में होने वाले श्री सत चंडी महायज्ञ की प्रेस वार्ता का आयोजन आज हिंदू कन्या महाविद्यालय में किया गया। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत तक व्याप्त रहा। बैठक में इस महायज्ञ के संयोजक बाबा श्री अक्षर सिंह और संयुक्त सनातन समाज के सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस महाचंडी यज्ञ का महत्व और इससे जुड़ी प्रमुख जानकारियां पत्रकार प्रतिनिधियों से साझा की, जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने इस महायज्ञ को सनातन समाज के उत्थान से जोड़ते हुए इस महायज्ञ को उनकी संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत बताया तथा यह भी बताया कि महायज्ञ सनातन शिक्षण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है, जिसमें अभी और आने वाली पीढ़ियों का परिचय हमारे सनातन धर्म के ज्ञान और विज्ञान से करवाया जाएगा, ताकि सभी सनातनी लोग अपने धर्म को समझेंगे, क्योंकि धर्म से ही हम देश और समाज का नव निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। बैठक में इस महायज्ञ के संयोजक बाबा श्री अक्षर सिंह जी के साथ गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता चौधरी जी, बजरंग दल से श्री संजय लोहट, विश्व हिंदू परिषद से नरेश धीमान, समाजसेवी सुशील राणा, ध्वनि सनातन संस्था से विशाल खुल्लर, समाजसेवी अनिल गोयल, समाजसेवी विपुल सिंघमार, समाजसेवी संजीव कुमार और समाजसेवी कमल प्रकाश, समाजसेवी सुनील चौधरी, अमरीश शास्त्री और विभिन्न सभाओं के प्रतिनिधि इस प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। जैसे जैसे यज्ञ का कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे ही इस यज्ञ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आम जनमानस और पत्रकार प्रतिनिधियों से जानकारी साझा की जाएगी। और सनातन संस्था से विशाल खुल्लर जी ने कहा कि और महाचंडी यज्ञ में महाचंडी यज्ञ करेंगे और मंत्रों के दिव्य उच्चारण से इसका आयोजन होगा और 10 दिनों तक ये महायज्ञ चलेगा। और बस इसे मैं ये कहूँगा, एक महाकुंड बनेगा। और बस मैं बार बार फिर से एक ही बात कहूँगा कि मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, जितने भी सनातन धर्मी हैं, सभी से मिलकर सहयोग करें। सहयोग से ही ये महायज्ञ पूर्ण हो सकता है और सबको मेरा जय श्री राम। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रतिनिधियों ने सनातन धर्म के बारे में और उनके महत्व में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वहां से मुझे कुछ प्रेरणा मिली, उसके बाद महाशिव पुराण सन 2010 के अंदर जो भी रघुराम जी के धर्मशाला में हुआ था, उसके बाद 2014 के अंदर भागवत पुराण कराया गया, उसके बाद ये यज्ञ की तैयारी करके हम इस यज्ञ शहर में सुख समृद्धि के लिए। और सबसे बड़ी बात ये सुनने में आई है कि इसमें कोई भी किसी एक समुदाय के लोग भागीदार नहीं होंगे, इसमें सर्व समाज को और सभी शहरवासियों को और सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भी ये इसमें भागीदार बना रहे हैं। और पर फिर भी हमारे अंदर जन जागरूकता कम है, इसलिए ये यज्ञ करने का मकसद यही है कि हम सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो। और ये जो महायज्ञ है, इसकी कलश यात्रा जो है ये सुबह 11 बजे काली माता मंदिर से चलेगी और 22 तारीख से जो है ये यज्ञ का प्रारंभ होगा। ये 9 दिन का यज्ञ है, यहाँ पर महाकुंभ रखा जाएगा, जो बाबा जी ने बताया है वो सब इस तरह मैंने आपको बताई दिया है। उस तरह से 9 दिन का ये महायज्ञ है। इसमें मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगी, जो भी हमारे सारे कालकावासी हैं, कालका के प्रदेश में आसपास जो भी रहे, सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सब अपना योगदान करें। सनातन संस्था के सभी प्रतिनिधियों ने जनता से यही अपील किया कि इस महायज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि इस यज्ञ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। यह है कि 33 करोड़ को जो देवी देवता होते हैं सब यज्ञ में हवन में निवास करते हैं, इसलिए कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, नर और नारी के दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण होता है। तो सभी से भी नम्र निवेदन है कि ऐसे अवसर पे पहुंचकर
धन से भी और मन से भी और धन से भी सेवा करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। महायज्ञ के बारे में कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताएं। जी, इस महायज्ञ, ये जो महायज्ञ है 21 से लेके शतचंडी महायज्ञ होने जा रहा है हमारे कालका में जी। वो 21 से लेके 30 तारीख तक हो रहा है जी, और 30 अप्रैल तक। और इसकी शुरुआत जो है 21 तारीख को महाकलश यात्रा निकलने वाली है यहाँ काली माता मंदिर से लेके हिंदू मंदिर, हिंदू गर्ल्स स्कूल तक जी। और यहाँ यही पर हिंदू स्कूल में ही ये महायज्ञ होने जा रहा है जी। और मैं इस कलश यात्रा में अपनी कालका की जो बहनें हैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, बहन बेटियों को, कि इस कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में जरूर जरूर पधारें और इससे भव्य बनाएं और इस यज्ञ में भी अपना योगदान करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। यहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किया जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी आहूतियाँ डाली जाएंगी। 5-5 जोड़े आकर यहाँ पे रोजाना यहाँ पे आहूति डाली जाएंगी। तो मेरी यही अपील है, जितने भी भाई बंधु जितने भी हैं कालकावासी और नगर के जितने भी हैं, सभी यहाँ पर आकर अपना योगदान दें और इसको बढ़ावा दें। धन्यवाद। 21 अप्रैल को होने वाला महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। लोगों से यही अपील किया गया है कि इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस यज्ञ को सफल बनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहें सत्य केसरी खबरों के साथ। नमस्कार।